अस्सलामुअलैकुम। आज हम 8th क्लास की मैथ की न्यू बुक है उसके एक्सरसाइज 1.16 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है मेरे पास, वो कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ सेट। मैंने पीछे भी आपको बताया कि यूनियन कैसे निकालते हैं, कि हम दो वैल्यू को आपस में मिला के लिख देते हैं। सेट में एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आती, ये भी हमें पता है, और हम इनको बस चुप करके मिला के लिख देना है। अब देखो किस तरह लिखना है, ए यूनियन बी। पहले हमने ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। अब देखो पहले ए वाला सेट लिखते हैं 1, 3, 5 और 7, यूनियन 2, 4, 6 और 8, ठीक है, ये आ गया। ए यूनियन बी मेरे पास क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 आ गया, ये मेरे पास हो गया इसका यूनियन। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपल, सी यूनियन डी, ठीक है। अब देखो ए बी सी, पहले अपने ऐसे लिखना है, ठीक है, बीच में यूनियन का साइन डाल के एक्स वाई और डी ऐसे लिख के सी यूनियन डी लिखना है। देखो ए बी सी एक्स वाई जी, ये मेरे पास हो गया इसका जवाब। अब मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है, वो किस तरह करना है हमने, देखो 3, 6, 9, 12, ई यूनियन एफ मेरे पास क्या आएगा, 3, 6, 9 और 12 यूनियन 4, 8 और 12, ठीक है, यूनियन हो गया। ई यूनियन एफ का फाइनल जवाब मेरे पास क्या आया, 3, 4, 6, 8, ठीक है, 9 और 12, ठीक है, ये यूनियन आ गया। एक लफ्ज़ एक दफ़ा आता है, 12 दो दफ़ा है ना, लेकिन हमने सिर्फ सेट में एक दफ़ा ही लिखना है यूनियन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहे हैं हमने यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे, मैंने एक को हम सेट करके लिख दें, देखो ये प्लस माइनस, इसको मैं सेट करके लिखता हूँ ए, ठीक है, -1, ठीक है, नहीं सॉरी -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ये सेट है मेरे पास, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सेट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 0, 1, 2 और 3, ठीक है, ये आगे वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको। अब हम सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है कि इंटरसेक्शन मेरे पास क्या होता है, कि हमने इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, कॉमन जो दोनों में होता है 0, 1, 2, 3, ये मेरे पास होगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ठीक है, इसको हम किस तरह करेंगे, के सी और डी है मेरे पास, ठीक है, इसको सिंपली हम इंटरसेक्शन लेते हैं सी इंटरसेक्शन डी, पहले लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, पेपर में आपने लिखना ज़रूर है, इससे पता तो लगे इंटरसेक्शन ले रहे हो, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, लिख दिए। सी इंटरसेक्शन डी मेरे पास क्या आया, 3, और मेरे पास देखो 3 कॉमन है, ये लिख दिया मैंने, और मेरे पास क्या कॉमन है, 9, ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंपल, ई इंटरसेक्शन एफ, ए बी सी और डी इंटरसेक्शन सी डी ई एफ, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास क्या आया, देखो इसमें सी कॉमन आ रहा है, ये सी इसमें भी है, सॉरी डी भी है, ठीक है, सी और डी इसमें कॉमन आ रहा है, दोनों मौजूद है, सी इसमें भी है, इसमें भी एक दफ़ा लिख दिया, डी इसमें भी एक दफ़ा हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, देखो यू है यूनिवर्सल सेट, इसको हम कहते हैं यू को, 1, 0 से लेकर 10 तक है, ए है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक है, बी 1, 3, 5, 7, 9 है, सी 0, 3, 6, 9 है और डी 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो जितने भी सेट होते हैं ना, ये सारे इसके सबसेट होते हैं, मतलब ये सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी सारे उसके अंदर से निकाले गए होते हैं और उसे छोटे होते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट सी का क्या मतलब है, यू माइनस ए, ठीक है, अब हम लिखते हैं यू माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वैल्यू लिखते हैं, यू माइनस ए, यू की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये आ गई वैल्यू यू की, और हमने माइनस करना है ए, क्या है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, मेरे पास ए है।
अब आपने चीज़ का ध्यान रखना जो आपको बताने लगा हूँ, हमने ना जो हमारे पास सेट होता है यू माइनस ए, माइनस वाले में हमेशा पहले वाले को देखना होता है, पहले में पर यू है ना, इसके अंदर जो बचता है ना हमने वो लिख देना होता है, बाकी कौन ही हमें देखना होता है। जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे है ज़ीरो, जो सेम होते हैं कट जाते हैं, तो इसमें भी है, इसमें भी है गया, और इसमें भी, इसमें भी ये भी गया, और सिक्स इसमें भी, इसमें भी ये भी गया, ठीक है, एट इसमें भी है, इसमें भी ये भी गया, टेन इसमें भी, इसमें भी ये भी गया, जो बचा हुआ हमने लिख देना, ठीक है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया, ज़ीरो, वन बचा होता है ना, वन थ्री फाइव सेवन और नाइन, ये मेरे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट है तो ये होगा बी यानी सॉरी यू माइनस बी, ठीक है, यू माइनस बी मेरे पास क्या आएगा, यू क्या है वही ज़ीरो से एक तक, ज़ीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, ठीक है, यू आ गया। माइनस बी क्या है मेरे पास, एक तीन पाँच सात नौ, एक तीन पाँच सात नौ, ये बी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम वाले काट देने, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, पाँच सात नौ, पाँच सात नौ चले गए मेरे पास, ठीक है। पीछे का बचा बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब मेरे पास क्या आएगा, ज़ीरो टू, ठीक है, फोर सिक्स और एट और टेन, ठीक है, ये मेरे पास होगा बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब। देखो हमने ओड नंबर सारे कटा दिए ना, बाकी पीछे वन बचे। अब मेरे पास सी कॉम्प्लीमेंट है, सी यू माइनस सी, ठीक है, यू माइनस सी मेरे पास क्या आया, यू क्या है ज़ीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, यू आ गया। माइनस सी क्या है मेरे पास, ज़ीरो तीन छः और नौ, ये सी आ गया, ठीक है। ज़ीरो भी गया, थ्री भी गया, सिक्स भी गया, नाइन भी है, ज़ीरो थ्री सिक्स और नाइन गए, पीछे जो बचा वो जवाब होगा। सी कॉम्प्लीमेंट पर क्या आया, एक दो चार पाँच सात आठ और दस, ठीक है, मेरे पास होगा सी कॉम्प्लीमेंट का जवाब। डी कॉम्प्लीमेंट पर क्या होगा, यू माइनस डी, ठीक है, ये आ गया। यू माइनस डी मेरे पास क्या होगा, ज़ीरो एक दो सौ टेन, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने कर दिया ना इसलिए मैं सौ लिख रहा हूँ, इसमें पहले मैंने ओपन करके लिखा हुआ है ना। डी क्या है, पाँच छः सात आठ नौ दस, डी आ गया। तो मेरे पास देखो डी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या आएगा, ज़ीरो बचा, एक बचा, दो बचा, तीन बचा, चार बचा, कैसे, पाँच छः सात आठ नौ दस इसमें मौजूद है ना, पाँच छः सात आठ नौ दस वो सारे कट जाएंगे, ज़ीरो एक दो तीन चार मेरे पास बचा। ऐसे हमने कॉम्प्लीमेंट इनका निकालना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में आपको होता है पहले वाला लफ्ज़ देखना होता है, जिसमें बचती है ना पहले सेट में वो लिख देने होते हैं बस। क्वेश्चन नंबर फोर है मेरे पास, ज़्यादा मुश्किल नहीं, सेम है वही है, इसमें सेट दिए हुए हैं हमें ए माइनस बी, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, यह आ गया माइनस बी, दो चार छः और आठ, बी आ गया। अब हमने इसको कट करना है, दो गया, चार गया, छः गया, ठीक है। ए माइनस बी का जवाब मेरे पास क्या आया, एक तीन पाँच। अब आपका जहन में बात सवाल आ सकता है कि एट क्यों नहीं लिखा। देखो हमने आपको पहले बताया था कि हमने सिर्फ पहले वाला सेट देखना होता है, जो पहले वाले सेट में बचते हैं सिर्फ वो लिखना होता है। इसमें चाहे लाख नंबर भी बच जाए, लाख डिजिट भी बच जाए, हमें इसे कोई लेना देना नहीं, सारा सेट ही बच जाए, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे वो मसला है कि इसमें कितने बचे, पहले सेट में कितने बचे, बस वो लिखना होता है, वो मैंने लिख दिया। इसमें जितने मर्जी बचे कोई लेना देना नहीं मुझसे, उससे मुझे उससे। इसी क्वेश्चन नंबर टू है, बी माइनस ए, बी क्या है मेरे पास, दो चार छ आठ, माइनस ए क्या है मेरे पास, एक दो तीन चार पाँच और छः, आ गया। अब कट क्या करना है, देखो दो भी जा रहा है इसमें, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, गया। या आपने पेपर में कट नहीं करना, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे पेपर में कट नहीं करना आपने। चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, छः इसमें भी है, छः इसमें भी है, ठीक है। इसमें क्या बचा, एट, बी माइनस ए मेरे पास क्या आया, एट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है मेरे पास, वो कह रहे हैं कि इसको डी मॉर्गन नाम से आपने वेरीफाई करना है और साथ में आपने इनके वेन डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, साथ वेन डायग्राम भी इसको डिज़ाइन करते हैं। देखो ए यूनियन बी है, डी मॉर्गन का हमारे पास दो होते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पहले वाला है। ये करके फिर हम दूसरा पार्ट भी इसका करेंगे, ठीक है, बी पार्ट। अभी इसका मैं एक पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड करने लगा हूँ, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये यूनियन होता है ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाला होता है, यूनियन इंटरसेक्शन कुछ भी हो, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन होगा, सी 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 बात है। तो ब्रैकेट के जो अंदर वाला होता है ना, वो हमने पहले करना होता है,
और जो ब्रैकेट के बाहर वाला होता है बाद में करना होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बाहर है ब्रैकेट के, ये बाद में होगा, पहले हमने इनका यूनियन लेना है, ठीक है। ए यूनियन बी, तो ए मेरे पास क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। यूनियन बी मेरे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। ए यूनियन बी मेरे पास क्या आया, ठीक है, देखो ए यूनियन बी मेरे पास आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। ये यूनियन बनता है, कैसे बनता है कि देखो मेरे पास एक इससे था, दो इसमें था, तीन इसमें था, चार इसमें था, पाँच इसमें था, छः इसमें था, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सारा मैंने तरतीब में लिख दिया, ठीक है। आपको बताया था कि यूनियन हमने तरतीब में लिखना होता है, तो ये मैंने तरतीब में लिख दिया। अब हम आगे करते हैं, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। पहले ही बताया था ना मैंने लिखना होता है, तो हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट बी की शक्ल में इस तरह लिखते हैं। यू पहले आएगा ना, यू माइनस ए माइनस बी है ना, ए यूनियन बी है, तो यू मेरे पास क्या है, 1 से लेके 15 तक, ठीक है, 2 भी लिख दो बीच में, 15 तक आ गए, माइनस 1, 2, 3 सो ऑन 14 तक। आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि हमने माइनस करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो दोनों में से जो कॉमन होता है उसको काट देते हैं, बचता है हम उसको पहले वाले सेट में जो बचता है हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 14 तक सारे लफ्ज़ इसमें मौजूद हैं, सारे कट गए, बचा गया 15। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया, 15, ठीक है। इसकी वन डायग्राम मेरे पास क्या बनेगी, ऐसे, ठीक है। एक सर्कल ये लगाया, एक सर्कल मैंने ये लगाया, ये होगा मेरे पास ए, ये होगा बी, ये होगा मेरे पास यू। अब वेन डायग्राम में हमने ना ऐसे लाइन सीधी लगानी, क्योंकि देखो ए और बी के अलावा जो है ना, हमने तो निकाल दिया, माइनस किया उसको कॉम्प्लीमेंट से, पीछे का बचा यू, यू तो सारा बाहर वाला है, तो मैंने उसको ऐसे सीधी सीधी आपने ऐसे लाइनें लगा देनी तरतीब में करके, ठीक है, ऐसे ऐसे अंदर ना रहने जाएँ, इसका ध्यान रखना आपने। ये हो गया मेरे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। अब कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या कहता है, यू माइनस ए, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यू माइनस ए मेरे पास क्या आया, यू की वैल्यू है 1, 2, 3, 7, 15, माइनस ए क्या है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो अगर हम देखा जाए तो सारे लफ्ज़ इसमें मौजूद हैं ये, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट पास क्या आया, अगर 1 गया 2 बचा, 3 गया 4 बचा, 5 गया तो क्या बचा, 6 बचा, ठीक है, 7 गया तो 8 बचा, 9 गया तो 10 बचा, 11 गया तो 12 बचा, 13 गया तो 14 बचा और साथ में 15 भी बचा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैंने बी कॉम्प्लीमेंट इसी तरह निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट का यू माइनस बी, ठीक है। तो यू माइनस बी मेरे पास क्या आया, 1, 2, 3, 7, 15, ठीक है, माइनस यू, ये यूनिट सेट हो गया ना, बी का सेट के मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया, तो देखो सारा इसमें मौजूद है ना, 2, 1 बचा, 2 गया तो 4 गया तो 3 बचा, ठीक है, 4 कॉमन है ना, 3 बचा और इसमें 5 बचा, 7 बचा, 6 और 8 के बीच में 7 ही आता है ना, 6 भी 8 भी के 7 बच गया, 8 और 10 के बीच में 9 आता है, 10 और 12 के बीच में 11 आता है, 12 14 के बीच में 13 आता है और इस पहले सेट में 15 भी बचता है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब इसके हम अलग अलग इनकी डायग्राम बनाए ना, ज़रा देखो वेन डायग्राम छोटी सी करके तो बनाने लगाऊँ आपको, इधर नज़र आ जाए ए वाले की, ठीक है। ये देखो ए वाले की मैं वेन डायग्राम बनाई, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये यू है। अब देखा जाए कि मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट में से निकल गया, तो मेरे पास क्या बचा पीछे, बी वाला पूरा, ए वाला निकल गया इनमें से, ये ठीक है, ए बचा ना। इसी तरह मैं इसकी वेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, एक ये सर्कल ए है, ये बी है, ठीक है, और ये यू है।
तो अगर मैं देखो इसमें से बी निकला है ना, तो इसमें से मेरे पास बी वाला निकला, तो बाकी सारा कलर होगा। अब देखा जाए इनमें ए निकला, इसमें बी निकला, फ्रॉम वन एंड टू, इसको वन कह देते हैं, इसे टू कह देते हैं, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास वेन डायग्राम क्या बनती है, असल वाली क्या बनेगी डायग्राम, इसमें से ए गया, उसमें से बी गया, ठीक है, ये आ जाएगा यू ए और ये आएगा बी, ठीक है, मतलब कि मेरे पास दोनों चले गए, इसमें बी गया, इसमें ए गया, दोनों को मिलाए तो ये बी खत्म हो गया, पीछे अकेला क्या बचा, यू, तो ए बी को छोड़ के यू वाला सारा हमने ऐसे लाइनें लगा देनी उसके, ठीक है, सीधी लाइनें लगानी है, ऐसे स्केल से लगानी है, आपने उसमें वैसे ही लगा रहा हूँ ना, ये सेम वही नहीं बन गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो मेरे पास क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो मेरा फर्स्ट डी मॉर्गन ला प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड डी मॉर्गन ला करते हैं, तो ये किस तरह होगा कि देखो मेरे पास सेकेंड डी मॉर्गन ला है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले इसका करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पहले करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है, ये आ गया इंटरसेक्शन। बी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, बी की वैल्यू है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मेरे पास देखो कॉमन क्या आ रहा है, हम उसको निशान लगा लेते हैं, कॉमन इसमें से देखो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, कॉमन क्या आएगा मेरे पास, खाली सेट, इसका हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं और खाली सेट भी लिख सकते हैं। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट किस तरह लिखें, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वैल्यू लिखते हैं, यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, यू माइनस, एक मिनट रुको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, यू की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यू की वैल्यू मेरे पास होगी 1, 2, 3, 15 माइनस खाली सेट, ठीक है, लिख दिया ना मैंने, तो अब खाली सेट है ये, तो इसका क्या होगा मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आएगा, ये सारा सेट आ जाएगा 1, 2, 3, 15, ठीक है, ठीक है, इसकी वेन डायग्राम मेरे पास क्या बनेगी, देखो वेन डायग्राम बना दी, ठीक है मैंने, अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया यू, ठीक है, यूनिवर्सल सेट सारा। अब हमने क्या करना है इसमें कि देखो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जवाब मेरे पास क्या आया, 1 से लेके 15 तक, इसका क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी लिया, उसको मैंने यू से माइनस किया, तो जवाब जो है वो हमने कलर करना होता है, यू से माइनस खाली सेट किया, मतलब कि कुछ भी माइनस नहीं होता, वापस वही आ गया, तो मेरे पास सारा डब्बा ही कलर हो गया, ऐसे हमने सारे डब्बे पर लाइनें ऐसे लगा देनी है, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना, डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना लगा मेरे पास यू माइनस ए, ठीक है, यू माइनस ए मेरे पास क्या है, यू की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 15 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया, देखो ये सारा इसके अंदर मौजूद है ना, पीछे का बचा दो इवन नंबर 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, 13 गया, 14 और 15 बचा, ठीक है, ये बच गया मेरे पास। अब देखो इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ये मैंने बनाया डब्बा सा, ठीक है, तो इसका क्या होगा मेरे पास, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया यू, इसका मतलब है कि मैंने इस सब में से ए निकाल दिया, तो मेरे पास पीछे का बचा बी भी बीच में ही होगा, ठीक है, फिर ए निकाला मैंने, तो ऐसे मैंने कलरिंग कर दी। अब मैंने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, ठीक है, यू माइनस बी मेरे पास क्या आया, यू क्या 1, 2, 3, 15 माइनस मेरे पास बी क्या है, बी है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इतना ही, ठीक है, ये मेरे पास बी हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया, देखो 1,
तीन और नंबर बचते हैं, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, इसकी वेन डायग्राम मेरे पास क्या बनेगी, इसकी वेन डायग्राम मेरे पास बनेगी, बस बनाया मैंने ऐसे, ठीक है, और मैंने किया यहाँ पे एक मिनट को सर्कल बनाया, ए का सर्कल बनाया, बी का, यू लिखा, ठीक है, इसमें देखो बी निकाल लें तो ये भी बीच में होगा, सारा बीच में कलर होगा, ए भी हमने बी निकाला ना यूनिवर्सल से, तो बी मैंने निकाल दिया। अब मैंने इनका यूनियन लेना है, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसकी हम वैल्यू लिखते हैं, मैं इधर लिखना नीचे लिखने लगा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15, ठीक है, यूनियन ऐसे लिखने लगा हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये यूनियन आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर क्या होगा, सबको मिला के लिखेंगे 1 से लेकर 15 तक, 1, 2, 3 सो ऑन, और ये आ गया 15 तक, ठीक है। इसका हम लिखेंगे वन डायग्राम बनाएंगे, इसके डब्बा बनाया मैंने, बड़ा सारा बना देते हैं, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया यू। अब देखो ये सारा सेट बीच में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, अगर देखा जाए इसका बी ए कॉम्प्लीमेंट का मेरे पास क्या जवाब आया था, ये, ठीक है, ए अकेला बचा था, सारा डब्बा कवर हुआ था। बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या था, सारा डब्बा कवर हुआ था, बी बचा था। अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये नहीं बन जाएगा, सारा डब्बा नहीं कवर हो जाएगा, तो मैंने दोबारा इसको सारा डब्बा ऐसे हमने इसको कवर कर देना है, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या हुआ, ये जवाब आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, इसमें कह रहे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी हमें पता है कि हम सारे डब्बे को कवर करते हैं, मैं ऐसे लाइनें लगा रहा हूँ, ठीक है, कलर भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ऐसे लाइनें लगा रहा हूँ, ये होगा मेरे पास ए यूनियन बी का जवाब, ठीक है। यू यूनियन ए, ठीक है, यू तो पूरा यूनियन ए की है, तो ये ए वाला भी सारा ऐसे कवर होगा, ठीक है। तीसरे वाला है यू यूनियन ए, ए यूनियन ए, तो मेरे पास ये ए वाला सारा कवर होगा, ठीक है। चौथा क्या है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए सेट ये इंटरसेक्ट किया तो बी, तो बी इंटरसेक्ट किया है ना, तो बी वाला कलर होगा सिर्फ, मैंने बी वाला यूनियन ए यू इंटरसेक्शन ए, तो यू वाला सारा कलर होगा, ए वाला खाली छोड़ देना, ठीक है, यू वाला सारा ऐसे कलर होगा, ए वाले को हमने कलर नहीं करना। तो छठा क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ए, तो ये सिर्फ ए वाला कवर होगा, यू वाला कवर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहे हैं कि 65 कस्टमर चूज इधर रेड कलर शर्ट और ब्लू कलर, 65 कस्टमर हैं, या वो रेड कलर चूज़ करेंगे या वो ब्लू करेंगे चूज़, ठीक है। इफ़ 34 कस्टमर चूज़ रेड, उसने कहा अगर 34 या 34 कस्टमर हैं या ग्राहक हैं वो रेड शर्ट को पसंद करते हैं या सिलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं, एंड 41 कस्टमर चूज़ ब्लू, ठीक है, जो 41 ग्राहक हैं वो चूज़ करते हैं या पसंद करते हैं ब्लू लीला कलर, ठीक है, नीले कलर की शर्ट, हाउ मैनी चूज़ बोथ, दोनों ने कितने चूज़ किए, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे लेट U इज इक्वल टू टोटल कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स हैं मेरे पास ये, इज इक्वल टू n नंबर ऑफ U, n का मतलब नंबर ऑफ U इज इक्वल टू 65, यूनिवर्सल सेट है ना मेरे पास, 65 आ गया। m मेरे पास क्या है, कस्टमर्स हु चूज रेड, वो कस्टमर जिन्होंने रेड कलर की शर्ट चूज़ की, तो होगा n, m इज इक्वल टू 34, ठीक है। और मेरे पास b क्या आएगा, कस्टमर्स हु चूज, ये लाइन लगा रहा हूँ तो उसका मतलब सेम ही चीज़ है, ठीक है, हु चूज ब्लू, n b इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 41, ठीक है। अब मेरे पास x इज इक्वल टू कस्टमर्स हु चूज बोथ, ठीक है, बोथ कलर इसने चूज़ किया वो मेरे पास n, ठीक है, वो x होगा, u मेरे पास क्या है 65, ठीक है,
34 माइनस एक्स प्लस 41 इज इक्वल माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये लाइन मैंने कैसे लिखी, ये कैसे आई। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने बनाना है वेन डायग्राम। ठीक है, उसके बगैर ये समझ नहीं आनी। ये मैंने लाइन में लगाई, ठीक है, ये मैंने बनाए सर्कल, एक मिनट, हाँ ऐसे और ऐसे। ठीक है, हम जरा इसको गाढ़ा करने लगाऊँ, ये वाले एरिया को, ये ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये देखो मेरे पास है M, ठीक है, ये क्या है मेरे पास B, ये क्या है X। अब देखो वो कह रहा है ये सारा होगा मेरे पास U, ठीक है, टोटल M क्या है नंबर ऑफ शर्ट्स रेड, जिसने रेड चूज़ की 34 है, लेकिन उसमें से ये हिस्सा कट भी तो है ना, ये दोनों मिला हुआ है, लेकिन इतना हिस्सा हमने एक्स काटना है उसमें से, ऐसे तो नहीं काट सकता, एक्स की वैल्यू ही नहीं पता। हम क्या करेंगे 34 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह मेरे पास ये 41 शर्ट्स थी बी वाली, ब्लू वाली शर्ट, अब एक्स को ख़त्म करना है, मुझे नहीं पता एक्स कितना है, बीच में मैं क्या लिखूँगा 41 माइनस एक्स। ठीक है, इन सबको निकालने के लिए मैंने क्या कि जमा कर दिया। ठीक है, 34 माइनस एक्स प्लस 41 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65, क्योंकि टोटल जवाब 65 ही है मेरे पास, उसके अंदर हमने पार्टीशन की हुई कि इतनी इतनी इतनी। ठीक है, अब देखो अब हम इसको करते हैं आगे सॉल्व। देखो ये से कट हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है, पीछे का बचा 34 प्लस 41 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब देखो कि 34 प्लस 41 कितना होता है, ये होता है 75 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के इधर ले जाऊँगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 65 माइनस 75। ये जो एक्स है ना, ये माइनस है, ये एक्स के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये माइनस इस एक्स के साथ है, इसके साथ नहीं है, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है ना, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर रह जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि छोटी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालो ना माइनस में। ठीक है, छोटी वैल्यू पहले है ना प्लस की और ये माइनस की, जवाब हमेशा ना जवाब के साथ हमेशा हमने बड़ी वैल्यू का साइन लिखना होता है। 75 बड़ी वैल्यू, इसका साइन साथ लिखेंगे, माइनस आएगा माइनस 10, माइनस माइनस ख़त्म हुआ, एक्स इज इक्वल टू क्या आया 10। ठीक है, अब मेरे पास एक्स जवाब आया कि एक्स होंगे दोनों 10 ऐसे लोग हैं, दोनों शर्ट्स ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, इन क्लास एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 बच्चे हैं, 22 स्टूडेंट मतलब 22 बच्चों ने एक पेंसिल ली। ठीक है, उनके पास पेंसिल्स हैं, सिर्फ कच्ची पेंसिल हैं जिसको हम कहते हैं लेड पेंसिल भी कहते हैं, और 32 स्टूडेंट पास पेन है, जिनके पास हमारे पास इंक पेन भी जिसको कहते हैं वो हैं। ठीक है, एंड हाँ एट हैव बोथ। ठीक है, आठ बच्चों के पास दोनों हैं। ठीक है, आठ बच्चों के पास दोनों चीज़ें हैं, ये एट यहाँ पे नहीं आना। ठीक है, हाउ मैनी डोंट हैव बोथ। ठीक है, कितनों के पास दोनों नहीं हैं। ठीक है, 32 पास पेंसिलें हैं और मेरे पास नहीं, 32 पास पेन है, 22 पास पेंसिलें हैं और 8 के पास दोनों हैं, कितने बच्चों पास कुछ भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, कितने बच्चों पास दोनों नहीं है। अब देखो यू मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास होंगे 50। ठीक है, एम क्या है मेरे पास, तो ये मेरे पास होगा स्टूडेंट Who have pens? ठीक है, इसका पेन है मेरे पास n, m इज इक्वल टू 32 आ गया। ठीक है, n लिख देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हु हैव पेंसिल्स, तो n इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, पेंसिलें कितनी हैं 22। ठीक है, अब मेरे पास और अब देखना है मेरे पास जिसके पास दोनों हैं। ठीक है, तो वो होगा मेरे पास बोथ। ठीक है, स्टूडेंट हु हैव बोथ। ठीक है, एन बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 8। ठीक है ना, अब एक्स स्टूडेंट है मेरे पास जिसके पास दोनों नहीं है, स्टूडेंट हु डोंट हैव बोथ। ठीक है, इन दोनों के पास नहीं है, टोटल कितने हैं, n u इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे
ये आ गया डब्बा, ठीक है। अब बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाएंगे तो मैं समझ आएगा किस तरह स्टार्ट करना। ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल मैंने ये बनाया, ठीक। अब देखो कि मेरे पास, चलो मैं रेडिस इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये है मेरे पास एम, ये है मेरे पास बी, ठीक है, बी नहीं है सॉरी, ये है मेरे पास एन, ठीक है। नंबर ऑफ यू हैव पेंसिल्स, ठीक है, और पेन वाले मेरे पास एम है, ठीक है, ये आगे वैल्यू। अब मैंने क्या करना है, ये क्या, ये है बी, मतलब बोथ बोथ वाले इधर होंगे ना, दोनों के पास है मेरे पास। अब देखो कि मेरे पास कितने हैं, ये नंबर ऑफ पेंस है मेरे पास। अब मुझे ये बोथ वाला बीच से मैंने निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो 32 माइनस एक्स, ठीक है, और एन में से मैंने पेंसिल्स कितनी, एन पेंसिल्स है ना, तो 22 में से ये एक्स वाला पार्ट निकालना है, 22 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। इसमें मैंने क्या करना है कि देखो बी वाले में, कि इसमें दोनों के पास पेन तो है मेरे पास, एक्स वाले में दोनों पास पेन है, ठीक है, या दोनों पास दोनों कुछ है, लेकिन अब ये बताना है कि इनमें से कितने स्टूडेंट के पास दोनों ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ना, 8 स्टूडेंट हैव बोथ, बोथ वाला तो ये आ गया, क्योंकि बोथ वाला है ना, देखो इसमें पेंसिल का भी ओवरलैप हो रहा है और पेंस का भी ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, पेंसिल का भी ओवरलैप हो रहा है इधर और पेन का भी ओवरलैप हो रहा है, ये जो सर्कल्स है, 8 है मेरे पास लड़के या बच्चे ये इधर पाए जाते हैं, इनमें से मैंने एक्स निकालना है, ठीक है, कि कितने बच्चों पास नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 8 माइनस एक्स, ठीक है, 8 माइनस एक्स इधर आ जाएगा। अब हम इसको सबको जमा करते हैं, देखो 32 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 22 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा 50, ठीक। अब देखो मेरे पास यहाँ पे सारे ही माइनस में आ रहे हैं। अब देखो ये तो होगा -3x, 1 2 3, तीनों को जमा किया -3x हो गया, 32 में 8 जमा की 40, 40 में मैंने 22 जमा किए तो मेरे पास हो गया 62, ठीक है, जमा 62 इज इक्वल टू 50 आ गया, ये इधर चला जाएगा -3x इज इक्वल टू 50 -62 आ गया, -3x इज इक्वल टू 62 में से मैंने 50 निकाले, 10 गए तो बचा मेरे पास -12, ये 12 3 4 12 होता है, एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 ऐसे बच्चे होंगे जिनको दोनों नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारे पास 1.16 का सारे एक्सरसाइज ख़त्म होती है, इख्तिताम होता है यहाँ पे। अगर आप कुछ ना समझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप नंबर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, एंड तक देखिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।